दिखाई देते हुए। स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक एंड पर है नितेश अरबी कोरगांव की ओर से 10 नंबर की जर्सी पहनकर। संदेश ठाकुर बॉलिंग मार्ग पर। ये शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में गेंद को खिला था, वहां पर खिलाड़ी तैनात थे। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पहली गेंद डॉट बॉल बिन्नी गेंद निकालने में कामयाब रहते हुए। अच्छी गेंद, फिर एक बार अच्छी गेंद संदेश ठाकुर की। बहुत ही अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन हमेशा संदेश ठाकुर ने किया है। गोवा राज्य के बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक है संदेश ठाकुर। लगातार दो गेंदें यहां पर डॉट निकालने में कामयाब रहते हुए। ये लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला भाई, शॉर्ट गेंद उंगलियों को छूती हुई मिड विकेट की दिशा में जब तक जाती। बहुत अच्छी फील्डिंग बाबू सावन स्पोर्ट के खिलाड़ियों द्वारा, माफ कीजिएगा कोरगांव के खिलाड़ियों द्वारा। एक रन मिलेगा, एक रन के साथ बल्लेबाज ने अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला। फिर एक बार संदेश, ये खूबसूरत शॉट। पहले ओवर में पावर प्ले का बंधन है, उसका पूरा फायदा उठाते हुए फील्डरों के सर के ऊपर से खेलने का प्रयास किया। इस बीच लहरते हुए दो रन दौड़कर पूरे किए, तो कुल मिलाकर 3 रन टीम का स्कोर है। 10 नंबर की जर्सी पहने हुई है बॉलिंग मार्ग पर संदेश बॉलिंग का भार संभालते हुए। रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास अपील करते हुए अंपायर उसको सहमति देते हुए तो आने पड़ेगा मैदान के बाहर। नितेश यहां पर कैच आउट होकर पवेलियन लौटे हुए, पहला विकेट यहां पर गिरता हुआ बाबू सावन स्पोर्ट 11 टीम का। तब तक चलते हैं हमारे डीजे मैन बच्चन जी के पास। नए बल्लेबाज गए हैं मेघ श्याम, स्ट्राइक एंड पर खड़े हैं, और नॉन स्ट्राइक एंड पर है अजय। एक विकेट गिरने के बाद नाजुक हालात यहां पर, 3 रन। ये अच्छी गेंद टिपा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आती हुई दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ढीले हाथों से पॉइंट के क्षेत्र में ढकेल कर खेला था, 1 रन जरूर मिलेगा। पहला ओवर बहुत ही किफायती ओवर, पावर प्ले का बंधन था, बल्लेबाज ने कुछ फायदा नहीं उठाया, लेकिन बॉलर ने बहुत ही बढ़िया फायदा उठाया। अपने ओवर में सिर्फ 4 रन दिए और एक सफलता हासिल की, जिनका नाम संदेश ठाकुर बच्चन जी। नए बॉलर गौरेश नागवेकर बॉलिंग मार्ग पर, हमारे दूर वाले छोर से बॉलिंग का भार संभालते हुए। और उनके सामने बल्लेबाज अजय खेलने के लिए तैयार। काफी देर, माफ कीजिएगा मेघ श्याम बल्लेबाज है, काफी देर के बाद
यहां पर खेलने के लिए तैयार होते हुए। थोड़ा सा खेल रुका हुआ था एक ओवर खत्म होने के बाद। फील्डिंग की सजावट करते हुए, क्योंकि पहले दो ओवर में इस बार खूबसूरत शॉट कवर की दिशा में खेला हुआ, वहां पर खिलाड़ी तैनात है। गेंद को रोकने में तो कामयाब हो चुके हैं, लेकिन दो रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। रनिंग बिटवीन द विकेट बाखूबी बहुत ही बढ़िया यहां पर देखने को मिलता हुआ हर खिलाड़ी द्वारा, हर बल्लेबाज द्वारा। पिछले मैच में भी हमने देखा था अमोल, जो आखिरी ओवर थे उसमें दो दो रन चुराए थे, शायद वो काफी महंगे हुए पहले मैच में। इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा फील्डरों को। भी अच्छी गेंद, बल्ले के अंदरूनी हिस्से पर गेंद लगी, शॉट फाइन लेग की दिशा में गेंद जाती है। संदेश ठाकुर वहां पर मौजूद थे, एक रन पर संतुष्ट रहना पड़ेगा। सेवन स्कोर है एक विकेट गिरने के बाद, जो कि दूसरा ओवर प्रगति पर है। तो बॉलिंग मार्ग पर गौरेश नागवेकर बॉलिंग का भार संभालते हुए, गोवा राज्य के ये भी बहुत ही बढ़िया खिलाड़ियों में से एक है। और प्रदीप जी ने जैसे बताया था अमोल कि आरबी कोरबा कोरगांव की टीम गोवा राज्य की बहुत ही बढ़िया टीम है, और इस टीम के सामने हमारे सिंधुदुर्ग के धुरंधर जूझते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा शॉट खेला है, लेकिन बहुत ही बढ़िया कैच वहां पर आरबी कोरगांव के खिलाड़ियों का, जाना पड़ेगा। और एक विकेट मैदान के बाहर जाता हुआ, दूसरा विकेट यहां पर बाबू सावन स्पोर्ट टीम का गिरता हुआ। क्या बात है बच्चन जी, बहुत ही बढ़िया खूब गाना बजाते हुए। जी हाँ जी, जान लगाकर, जान के साथ खेलकर, समुंदर में जाकर उन्हें ये काम करना पड़ता है हमारे सभी मछुआड़ भाइयों को। और उनके ऊपर से ये क्या गाना बजाते हुए, कोली गीत लगाते हुए यहाँ पर। तो फिलहाल हमारे दूर वाले छोर से फिर एक बार गौरेश बॉलिंग का भार संभालते हुए, और उनके सामने जो कि बल्लेबाज दिखाई देते हुए तेजस पहली मर्तबा इस मैच में खेलने के लिए तैयार होते हुए। भी अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद, अमोल जी क्या कहेंगे इस गेंद के बारे में। टिप्पा खाने के बाद काफी बाहर निकली, ये बहुत ही बढ़िया गेंद थी। शायद कोई अच्छा बल्लेबाज ही इस गेंद को खेल सकता था, लेकिन ये बढ़िया गेंद मैं कहूंगा। तारीफ करने लायक बॉलिंग यहां पर गौरेश नागवेकर द्वारा, फिर एक बार हमारे दूर वाले छोर से तेजस के लिए ये गेंद। इस बार अंदर की तरफ लाए थे, यानी कि वेरिएशन कर रहे हैं बॉलर। पिछली गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकालने में कामयाब रह रहे थे, इस बार टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ गेंद लाने में कामयाब रहे, लेकिन ढीले हाथों से खेला। सिली मिड ऑफ के क्षेत्र में एक रन मिलेगा, एक रन की सहायता से दो विकेट गिरने के बाद आठ स्कोर है। स्ट्राइक पर बल्लेबाज जो कि दिखाई देते हुए, तेजस दिखाई देते हुए। जब दाया और बायात के बल्लेबाज रहता है तो थोड़ी बहुत फील्डिंग में बदलाव करना पड़ता है। ये थोड़ी सी छोटी सी गेंद थी, शॉर्ट गेंद थी, पीछे हटकर पीछे मुड़कर फाइनली की दिशा में खेलने का इरादा था बल्लेबाज का, लेकिन ठीक तरीके से बल्ले पर ले नहीं सके। नतीजा सिर्फ एक रन मिलेगा, नाइन फॉर लॉस ऑफ टू विकेट, जो कि ओवर नंबर टू यहां पर खत्म होता हुआ। दो ओवर, दो विकेट और नौ स्कोर है
9 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। बच्चन जी के पास तब तक चलते हैं। बच्चन जी बहुत ही बढ़िया गाना बीच बीच में सुनाते हैं। थैंक यू डीजे मैन। फिर एक बार संदेश ठाकुर 10 नंबर की जर्सी पहनकर तो ढीले हाथों से खेला। शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में एक रन जरूर मिलेगा और स्कोर भी हुआ 10। संदेश ठाकुर ने जर्सी भी पहनी है 10, जो कि सचिन तेंदुलकर की 10 नंबर की जर्सी हमें मालूम है, लेकिन सबसे पहले 10 नंबर की जर्सी किसने पहनी हुई थी? सबसे पहले 10 नंबर की जर्सी फुटबॉल खेलने वाले पेले इन्होंने पहनी हुई थी, 10 नंबर की जर्सी। तो मेघशाम खेलने के लिए तैयार संदेश की गेंद का सामना करने के लिए। खूबसूरत शॉट, पॉइंट और कवर के सर के ऊपर से खेला हुआ, देखना पड़ेगा वहां पर खिलाड़ी डीप कवर की दिशा में दौड़ते हुए जाते, फील्ड करते आसानी के साथ यहां पर रन पूरे किए हैं 2। स्कोर बढ़ता हुआ 12 रनों के ऊपर। 12 की भी बहुत ही बढ़िया लंबी कहानी है, थोड़ी देर के बाद हम वो भी बताएंगे अमोल जी। ये खूबसूरत शॉट है लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में। शॉट तो बहुत ही खूबसूरत खेला था, टाइमिंग सही रहा था, काफी तेज रफ्तार से गेंद जा रही थी लेकिन फील्डर को ढूंढा वहां पर। एक रन पर ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। 13 क्रिकेट का अशुभ अंक माना जाता है 13। फिर एक बार संदेश चले बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये बढ़िया गेंद, ये अच्छी गेंद मैं कहूंगा नहीं है, वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ। ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर घुमाव ज्यादा प्राप्त किया था यहां पर। गेंद अच्छी डाली थी लेकिन ज्यादा घुमाव प्राप्त होने के कारण यहां पर वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ। फिर एक बार एक्स्ट्रा रन यहां पर स्कोर में लिखा जाता। उमेश मांजरेकर और मंगेश धुरी ये दो अंपायर हमारे मैदान के बीच में। ये अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, सही जगह पर सही ठिकाने पर जड़ में डाली हुई गेंद। बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए संदेश ठाकुर, बहुत ही बढ़िया बॉलर है ये गोवा राज्य के। फिर एक बार चले मेघशाम के लिए। ये गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी वहां पर तैनात है जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते। इस बीच रनिंग बिटवीन द विकेट देखिएगा, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन बढ़िया तरीके से पूरे किए। 2 रनों की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 17 स्कोर है, जो कि ओवर नंबर 3 प्रगति पर है। सोनम जी हमें बहुत ही बढ़िया जानकारी देते बीच बीच में, सोनम जी शुक्रिया। ये अच्छी गेंद, फिर एक बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, सदिक लेंथ और लाइन की दिशा में बॉलिंग करते हुए फिर एक बार डॉट बॉल बिन्नी गेंद निकालने में कामयाब रहते हुए 3 ओवर खत्म हो चुके हैं। 3 ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है 2 विकेट गिरने के बाद 17 रन। तो आगे का हाल सुनाने के लिए हमारे यहां पर साथी कॉमेंटेटर मौजूद है। प्रदीप जी देउलकर नहीं है तो अमोल जी के पास माइक सुपुर्द करता हूं और थोड़ी देर के लिए आप सभी तमाम दर्शकों की इजाजत लेता हूं, शुक्रिया। हेलो, धन्यवाद श्याम। आरवी गोवा बाबू 11 या दोन संघादरम्यानची लढत आपण पाहतोय। 3 षटकांच्या सांगते एकेरीस प्राथमिक फेरीच्या पहिल्या वेळेला लढतीत थोडासा फलंदाजीच्या विभागामध्ये अडखळतोय।
बाबू इलेवनचा संघ 3 षटकांच्या सांगते एकेरीस नाम मात्र 17 धावा या धावफलकावर। गोवा राज्यातील बलाढ्य ताकदवर संघ आरबी गोवा या स्पर्धेत दाखल होतोय आणि तितक्याच ताकदीनं तोला मुलानं दुसऱ्या बाजूला 2 हात करण्यासाठी सज्ज झालाय। मात्र आघाडीच्या फलंदाजांची हाराकिरी, चेंडू पडल्यानंतर बरा साथमध्ये येतोय, चेंडूला एक मोठा फटका लगावलाय पॉईंटच्या डोक्यावरनं आणि डीप मध्ये प्रोटेक्शन, डीप कव्हर पॉईंटला आपल्याला पाहायला मिळतंय। जोपर्यंत चेंडूची फेकी निघेल तोपर्यंत दुहेरी धावांचा कालावधी आणि दुहेरी धावांनी सांघिक धावफलक मात्र बदलतोय 19 धावांवर। 19 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत 2 गड्यांच्या मोबदल्यात। बाबू सावंत इलेव्हन संघाची धावसंख्या, नाणेफेकीचा कौल गोवा संघाच्या बाजूने, नाणेफेक जिंकून प्रथमतः क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय। यावेळेस मोठा फटका, ताकद लगावली, एलिमिनेशन देखील दिलंय। ज्यावेळेस फटका बॅटच्या मिडल ऑफ द बॅट झालाय, मधोमध स्पर्श झालाय, एक मधुर आवाज आला, मात्र वाटलं होतं की चेंडू सीमारेखा पार होईल, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर उल्लंघन करेल, मात्र एक डीप मध्ये प्रोटेक्शन मिड विकेटला आपल्याला पाहायला मिळतंय। आपल्याकडनं अतिरिक्त धाव खर्ची जाऊ नये याची काळजी देतील क्षेत्ररक्षक घेतोय आणि दुहेरी धावांनी पुन्हा एकदा धावफलक बदलला जात 21 जो गणेशाचा क्रमांक मानला जातो त्या 21 या धावसंख्येवर पाहायला मिळतोय बाबू इलेव्हनचा संघ। यावेळेस हवेमध्ये फटका फटका फसलाय, एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक आणि एक साधा सोपा लॉलीपॉप। मैदानावर 3रा हादरा, बाबू सावंत इलेव्हन संघाला डावखुरा फलंदाज तंबूच्या आसऱ्याला आराम करण्यासाठी परततोय आणि जाता जाता ऐकत जा एक सुगम संगीत। हॅलो, गोवा राज्यातला एक ताकदवर बलाढ्य संघ सातत्याने चांगली कामगिरी करताना आपल्याला रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबावच्या स्पर्धेत पाहायला मिळतोय। कारण हाच गोव्याचा संघ गतवर्षी गणपती वॉरियर्स गोवा नावाने या स्पर्धेत दाखल झाला होता आणि अंतिम सामन्यात त्यांची ग्रंथिका जुळली होती रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ले समवेत आणि तो रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ले समवेतचा सामना डावखुऱ्या शैलीदार फलंदाज सुधीर पालेकरने अंतिम क्षणी जिंकून दिला होता रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ले संघाला। तोच गणपती वॉरियर्सचा संघ या स्पर्धेत दाखल झालाय आणि कदाचित काही क्षणांमध्ये जर या सामन्यात त्याने विजय संपादन केला तर येणाऱ्या काळात बहुधा रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ले संघासमवेत देखील त्यांची लढत पाहायला मिळेल। मात्र या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या बलाढ्य असलेल्या संघासमवेत आरबी गोवा राज्यातील बलाढ्य असलेला संघ 2 हात करण्यासाठी सज्ज होईल का की दुसऱ्या बाजूनं प्राथमिक फेरीच्या पहिल्या वहिल्या लढतीत गोवा संघाला पराभवाची धूळ चारेल का। फलंदाजी करणारा बाबू सावंत इलेव्हनचा संघ येणारी वेळ येणारा काळ ठरवेल। मात्र गतवर्षीच्या पराभवाची परतफेड करण्याची संधी आरबी गोवा संघाला देखील काही क्षणांमध्ये उपलब्ध होण्याची सूचनं दिसतील। मात्र या सामन्यात त्यांना विजय संपादन करावा लागेल। ते तरार चेंडू दर्जेदार असा गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय। तो गोलंदाजी मार्कवर गोवा राज्यातला एक दिग्गज खेळाडू बहुधा सांगता होते। एकंदरीत 4थ्या षटकाची 4 षटकांचा खेळ समाप्त, 22 धावा धावफलकावर, 3 गड्यांच्या मोबदल्यात बाबू सावंत इलेव्हन संघाची धावसंख्या। थँक्यू बच्चनजी, धन्यवाद। कोरगाव आरवी इलेव्हन कोरगाव गोवा संघाच्या स्क्वॉडमध्ये तुम्हाला दिसतील मनोज नार्वेकर, पुनाजी करंगुटकर, संदेश ठाकूर, चंदन नाईक, अमीर गडेकर, विकी नाईक, गौरेश नागवेकर, अनिकेत देसाई, अपाली करंगुटकर, रोहन साळगावकर आणि समर्थ गवस असा स्क्वॉड आपल्याला दिसतोय आरवी इलेव्हन गोवा संघाचा। दुसऱ्या बाजूला बाबू सावंत इलेव्हन संघाचा जर आपण विचार केला, यावेळेस कोल टप्प्याचा चेंडू, यॉर्कर लेनचा चेंडू,
बॅट आणि पॅडच्या मधला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला, जे स्पॉट फिक्स केला होता गोलंदाजाने, नेमका त्या स्पॉटमध्ये चेंडूची डिलिव्हरी करतोय आणि एक सुंदर असं दृश्य आपल्याला क्रिकेटच्या या पटलावर पाहायला मिळते, क्रिकेटच्या मैदानावर पाहायला मिळते. जो जी चुरस जे दोंदव पाहण्यासाठी क्रीडा रसिकांची गर्दी असते तोच संघर्ष आता मात्र चेंडू आणि बॅटमध्ये पाहायला मिळावा ही अशा अपेक्षा आपण करूयात. कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर मनोज सकपाळ आपल्याला पाहायला मिळतोय, कोल्हापूर जिल्ह्यातला एक तगडा खेळाडू, याचा खेळ देखील काही क्षणांमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. सुधीर हुलपे हा देखील एक बुजुर्ग दिग्गज असा खेळाडू, नितीन माटुंगे देखील असेल या स्क्वॉडमध्ये आणि ऑलराऊंडर खेळाडू तुम्हाला दिसेल. तत्पूर्वी मैदानावर तुम्हाला घेऊन जातोय, पंचांचे दोन्ही हात समांतर करून चेंडू अवंतर असल्याचा इशारा आमच्या कॉमेंट्री कक्षाच्या दिशेने येईल. एक दंडात्मक धाव आणि सांघिक धाव फलक मात्र गणला जातोय 26 धावांवर. ऑफड्रॉईचा फटका, प्रोटेक्शन आहे शॉर्ट कव्हरला, त्या ठिकाणी केवळ निघेल ती एकेरी धाव आणि डावखुऱ्या शैलीदार फलंदाच्या बॅटमधून निघालेली एकेरी धाव, धाव सांघिक धाव संख्या मात्र बदलेल 27 धावांवर. 27 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात पाचव्या षटकाचा खेळ हा प्रगतीपथावर आणि पाचव्या षटकाच्या सुरुवातीच्या कालावधीत डावखुरा फिरकी गोलंदाज बॉलिंग मार्कवर, डावखुरा बॉलर दर्जेदार कामगिरी करतोय. ऑफड्रॉईचा ऑनड्रॉईचा फटका विथ अलॉंग द कार्पेटचा जमिनीला चाटून जाणारा फटका निघेल ना मात्र एकेरी धाव, आवश्यकता मोठ्या फटक्यांची. आपण पाहतोय रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबावचा चेंडूफळीचा संघर्ष आणि त्यांच्या कल्पतेतनं होऊ घातलेला क्रिकेटचा महोत्सव, नीटनेटकं आयोजन, उत्कृष्ट नियोजन याच्या जोरावर गतवर्षी ही स्पर्धा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रसिद्धी झोतास पोचली, ती स्पर्धा तुमच्या आमच्या भेटीसाठी 2020 देखील सज्ज झाली आहे आणि या स्पर्धेचा आपण सर्वजण आस्वाद घेतोय. युट्यूबच्या माध्यमातून जे क्रीडा रसिक आमच्याशी जोडले त्या सर्वांचं रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडभावच्या वतीनं मी अमोल जमदाडे हार्दिक स्वागत करतोय आणि प्रत्यक्ष या मैदानावर आमच्या रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडभाववर प्रेम करणारे आणि क्रिकेटचे खऱ्या अर्थाने चाहती तुम्ही जर इतके मोठे दर्दी आहात म्हणूनच गर्दी सातत्याने आपल्याला पाहायला मिळते त्या सर्वांचं रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडभावच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत. आपण पाहतोय रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबावचा क्रिकेटचा रणसंग्राम, चेंडूफळीचा संघर्ष, प्राथमिक फिरता या स्पर्धेतला पहिल्या दिवसातील दुसरा सामना, बाबू सावंत 11 कुंकेश्वर विपक्ष आरबी कोरगाव 11 गोवा या दोन शक्तिशाली संघ दरम्यानची प्राथमिक फेरीची लढत मैदानावर सज्ज झाली आहे. प्रारंभीच्या 5 षटकांचा खेळ समाप्त आणि सांघिक 28 धावा धावफलकावर बाबू सावंत 11 कुंकेश्वर संघाची धावसंख्या. मुख्य व्यासपीठाच्या शेजारची उजव्या बाजूची जी गॅलरी आहे पहिली गॅलरी ती खास महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आली आहे याची सर्व क्रीडा रसिकांनी नोंद घ्यायची आहे. उजव्या बाजूची गॅलरी आहे ती महिलांसाठी, महिला भगिनींसाठी त्या ठिकाणी जागा द्यायची आहे याची नोंद सर्व क्रीडा रसिकांनी घ्यायची आहे. उजव्या बाजूची पहिली गॅलरी. हॅलो, प्राथमिक फेरीच्या लढतींचा जर विचार केला तर थोड्याशा संत गतीने चाललेल्या सामन्यात आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला ज्या ज्या वेळेला द्वितीय फेरीच्या लढती सुरू होतील मोठमोठे सितारे याच पटलावर तुम्हाला पाहायला मिळतील. कुठेही जाऊ नका, ऐकत रहा, पाहत रहा रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबावच्या या भव्य दिव्य स्वरूपाच्या क्रिकेट स्पर्धेचा थरार, कारण येणाऱ्या काळात मोठमोठे सितारे गोवा राज्यातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कोल्हापूरवरनं दाखल झालेले मोठमोठे खेळाडू तुम्हाला याच मैदानावरनं पाहता येतील आणि त्याच पद्धतीनं बेळगावचे देखील म्हणजे कर्नाटक राज्यातील देखील खेळाडू या स्पर्धेत दाखल झाले आहेत. येणाऱ्या काही क्षणांमध्ये चेंडूफळीचा संघर्ष, चेंडूफळीतलं युद्ध तुम्हाला अनुभवता येईल, पाहता येईल. मात्र तत्पूर्वी सज्ज होऊयात प्राथमिक फेरीच्या दुसऱ्या लढतीच्या पहिल्या इनिंगच्या अंतिम षटकात. 6वं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर रोहन साळगावकरची वर्णी आरबी गोवा संघाच्या वतीनं, स्ट्रायकर यांच्या दिशेने डावखुरा फलंदाज अवी सुर्वे जो सातत्याने डावाची सुरुवात करतो यावेळेस मधल्या फळीत फलंदाजीसाठी. अवी सुर्वेसाठी थोडासा गती परिवर्तन, चेंडू ज्यावेळेस गोलंदाजाच्या हातातनं चेंडू पडला त्याच वेळेस चेंडूचा वेग ओळखला होता, चेंडूची दिशा देखील ओळखली होती फलंदाजाने.
एक आडव्या बॅटनं फटका अभी सुरूच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळतोय. मिड विकेटला, मिड विकेटवरनं जोपर्यंत चेंडूची परती येते तोपर्यंत निघाली एकेरी धाव आणि सांघिक धाव फरक मात्र बदलला जातोय 29 धावांवर. रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबावचं नेटनेटकं आयोजन. गतवर्षी ही स्पर्धा संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रसिद्धीला पोहोचली आणि ती स्पर्धा ज्या स्पर्धेची आपण आतुरतेने तब्बल 360 दिवस वाट पाहत असता, कारण 5 दिवसांची ही क्रिकेट स्पर्धा असते, वर्षाचे 365 दिवस असतात. लीप वर्ष पकडलं तर कदाचित 366 दिवस. ऑन ड्रॉईचा फटका, डीपमध्ये प्रोटेक्शन आहे, मिड विकेटवरनं चेंडूची फेकी, अवि सूर्य प्रयत्न करत होता स्ट्राईक एंडवरनं दुसरी धाव घेण्याचा, मात्र नॉन स्ट्राईक वरन नकार येतोय आणि निघेल ती एकेरी धाव. सांघिक धाव फलक बदलला जातोय 30 धावांवर. पोलीस बॉईज ओरोसचा संघ देखील आमच्या स्पर्धेत दाखल होतोय, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबावच्या वतीने. वल्लव रे नकवा वल्लव पद्धतीची फलंदाजी अवी सुर्वेची. अवीला आता मात्र डोळ्यात अंजन घालून फलंदाजी करावी लागेल. येणारे काही चेंडूंचाच खेळ बाकी पहिल्या इनिंगच्या, मोठे फटके गरजेचे. आणि दुसऱ्या बाजूनं काय कमबॅक करतोय गोलंदाज रोहन साळगावकर. चेंडू दोन्ही बाजूला वळवतोय. इनकटर ऑफ कटर पद्धतीची गोलंदाजी आणि या इनकटर ऑफ कटर पद्धतीच्या गोलंदाजीवर साप चाचपडताना दिसतोय अवी सुर्वे. ऑफ्रॉईचा फटका लॉंग ऑफ मध्ये, क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये, निघेल एकेरी धाव. दुसरी धाव जलद गतीने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आणि बहुधा क्रिकेट मधली आत्महत्या मैदानावर सांघिक कामगिरीच्या जोरावर पाहायला मिळतोय 4 हादरा फलंदाजी करणाऱ्या बाबू सावंत 11 कुंकेश्वर संघाला. हॅलो, थँक्यू डीजे. 6 षटकात सांघिक धाव संख्या धाव फलकावर केवळ दिसते ती 31 धावा. विजयासाठी केवळ आणि केवळ 32 धावांची आवश्यकता. गतवर्षीच्या उपविजेत्या संघाला मात्र गतवर्षी गणपती वॉरियर्स गोवा नावाने हा संघ दाखल झाला होता. या स्पर्धेत तो आरवी कोरगाव गोवा संघाच्या नावाने दाखल झाला आहे. मात्र तेच खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळत आहेत येणाऱ्या काळामध्ये. हे चुरस, हे दोंदव तुम्हाला पाहायला मिळेल. कुठेही जाऊ नका, आपली जागा पक्की करा. 6 चेंडू 36 चेंडूवर अर्थातच 6 षटकात 32 धावांची विजयासाठी आवश्यकता. गोवा राज्यातील बलाढ्य असलेल्या आरवी गोवा संघाला आणि 36 चेंडू 32 धावांचा बचाव करण्याची आवश्यकता लोकल बॉईज कुंकेश्वर संघाला. अर्थातच जो बाबू सावंत 11 नावाने या स्पर्धेत दाखल होतोय त्या कुंकेश्वर संघाला 36 चेंडूत 32 धावांचा बचाव करावा लागेल. गोलंदाजांचा बोलबाला या मैदानावर पाहायला मिळेल की गोवा राज्यातला बलाढ्य असलेला संघ विस्फोटक फलंदाजीनं कदाचित 2-3 षटकांमध्ये हा सामना संपवेल. काय घडेल, काय बिघडेल, येणारी वेळ येणारा काळ ठरवेल. मात्र येणाऱ्या काळामध्ये काय घडतंय काय बिघडतंय आपल्या कानापर्यंत पोहोचवण्यासाठी मायक्रोफोनवर मात्र बदल होईल. मायक्रोफोनवर आमचे सहकारी समालोचक हिंदीमध्ये आपल्या समोर येत आहेत श्याम वाकर. कुठेही जाऊ नका, ऐकत राहा आणि पाहत राहा रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबावचा क्रिकेटचा महोत्सव. तोपर्यंत मी अमोल जमदाडे तमाम क्रीडारसिकांची रजा घेतो. धन्यवाद.
गावची पारू नेसली गो नवा सारा जाऊ चल गो पंधरा लाख पारू दरियाचे कुंजेला। तुमच्या सहकार्यावरतीच ही स्पर्धा आम्ही प्रत्येक वर्षी यशस्वी करून दाखवत असतो आणि या वर्षी सुद्धा अनेक असे क्रीडा स्पर्धक या मैदानावरती उपलब्ध झालेत उपस्थित झालेत। सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत आहे। मात्र व्यासपीठाच्या उजव्याची जी गॅलरी आहे ती पहिल्या दिवसापासूनच या ठिकाणी महिलांसाठी आम्ही आरक्षित ठेवलेली आहे याची सर्व पुरुष क्रीडा रसिकांनी नोंद घ्यायची आहे। उजव्या बाजूची व्यासपीठाच्या उजव्याची जी पहिली गॅलरी आहे ती खास महिलांसाठी आम्ही आकर्षित ठेवली आरक्षित ठेवली आहे। तरी आपण ज्या इतर गॅलरी आहेत तिथे जाऊन सामन्यांचा आस्वाद घ्यायचा आहे मॅचेस पाहायच्या आहेत तरी आपण कृपा करून नोंद घ्या। व्यासपीठाच्या उजव्या बाजूची पहिली गॅलरी ही महिलांसाठी आम्ही आरक्षित ठेवली आहे आणि आमचे सर्व कार्यकर्ते त्या ठिकाणी उपस्थित आहेत। सन्माननीय श्री जोईल सर हे या ठिकाणी तिथे स्वतः प्रत्यक्षात लक्ष देत आहेत। धन्यवाद। थँक्यू 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 डीजे मॅन। धन्यवाद अमोल। तो फिर एक बार मिडवाव के ग्रीन पार्क मैदान के ऊपर आप सभी तमाम दर्शकों का स्वागत है। 6 ओवर में 32 रन चाहिए। समर्थ गवस है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर है पुनाजी कलंगुटकर। ये खूबसूरत शॉट समर्थ ने आते आते ही अपने हाथ खोल दिए हैं बाउंड्री लगाकर शुरुआत करते हुए। गोवा पुलिस की ओर से खेलने वाले ये समर्थ गवस आरवी कोरगांव की ओर से खेलते हुए, और इस टीम के ओनर है विनोद हरमलकर। इनकी लड़की का नाम है आरवी और इस लड़की के नाम के ऊपर से ये टीम यहाँ पर मैदान में अपने खेल का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। आरवी कोरगांव समर्थ इन्होंने भी 10 नंबर की जर्सी पहनी हुई है। क्या खास बात है अमोल, संदेश ठाकुर की भी जर्सी 10 नंबर की थी। तो फिलहाल पुलटॉस गेंद और जो सलाह देनी थी जो नसीहत देनी थी गेंद मिड विकेट से बाहर 6 रनों के लिए। समर्थ गवस आते आते ही बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए और पहले 2 ओवर में जो पावर प्ले का बंधन है उसका फायदा उठाना चाहते हैं क्योंकि 2 खिलाड़ी सिर्फ सर्कल के बाहर रखना अनिवार्य है। ये देखिएगा ये देखने लायक शॉट, लाजवाब शॉट और डीप कवर की दिशा में गेंद। देखना पड़ेगा गेंद रुक सी गई है थम सी गई है। इस बीच 2 रन दौड़कर पूरे के, शॉट तो बहुत ही खूबसूरत खेला था लेकिन थोड़ी सी गेंद वहां पर रुक गई। स्कोर बढ़ता हुआ 12 रनों के ऊपर एक अच्छी शुरुआत यहां पर देते हुए एक आसान सा लक्ष्य है 32 रनों का उसका पीछा करते हुए क्या यहां पर शुरुआत की है समर्थ गवस ने। और समर्थ गवस ऐसे बल्लेबाज है जो कोरगांव के बाजी प्रभु देशपांडे के नाम से भी जाने जाते हैं। ये अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद काफी नीचे रहती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई बगैर किसी रन के बगैर किसी नुकसान के। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 12 रनों के ऊपर। फिर एक बार
समर्थ खेलने के लिए तैयार। सामने बॉलिंग मार्ग पर अलंकार बॉलिंग का भार संभालते हुए, ये खूबसूरत शॉट है, देखना पड़ेगा। वहां पर गेंद फिर एक बार रुक सी गई है, दो रन यहां पर फिर एक बार पूरे किए और रन दिखेगा, बहुत ही आसानी के साथ दौड़ रहे, कोई टेंशन नहीं है बल्लेबाजों के ऊपर क्योंकि इतना बड़ा विशाल स्कोर नहीं है। पहला ओवर खत्म हो चुका है बगैर कोई विकेट खोए है, 14 स्कोर है, 14 विदाउट लॉस आफ्टर वन ओवर। तब तक हमारे बच्चन जी के पास चलते हैं। बच्चन जी क्या हुआ? कलंगुटकर जो कि पणजी गोवा पुलिस की ओर से खेलने वाले ये खिलाड़ी, पणजी से बिलोंग करने वाले ये बल्लेबाज है, ये भी बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज है और मेरे बहुत ही पसंदीदा खिलाड़ी भी है, कई बार मैंने इनकी बल्लेबाजी देखी है। पुनः जी फिर एक बार खेलने के लिए अन्ना चौहान की गेंद का सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर गेंद थी, जगह पे से ही खड़े खड़े खेलना चाहते थे इसलिए सही तरीके से टाइमिंग नहीं कर सके। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 18 रनों के ऊपर। जीतने के लिए सिर्फ यहां से 14 रन चाहिए। फिर एक बार अन्ना चौहान चले बॉलिंग मार्ग पर, सामने है पुना जी बल्लेबाज, ये खराब शॉट मैं कहूंगा, सीधा शॉट कवर के खिलाड़ी के हाथों में, आना पड़ेगा पुना जी को मैदान के बाहर। पहला विकेट आरबी कोरगांव टीम का गिरता हुआ पुना जी के रूप में। तो अन्ना ने यहां पर कमाल कर दिया, देखिएगा एक बड़ा विकेट जो कि पुनाजी कलंगुटकर आउट होकर मैदान के बाहर जाते हुए। नए बल्लेबाज गए हैं बिचोली नार्वे की ओर से बिलोंग करने वाले मनोज नार्वेकर स्ट्राइक पर। बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद, यहां पर बहुत ही अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए अन्ना चौहान, बहुत ही बढ़िया लेंथ और लाइन की दिशा में भी बॉलिंग करते हुए। और मालवण के सुकलवाड़ मैदान के ऊपर मैंने इनकी बॉलिंग देखी थी, बहुत ही अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन अन्ना चौहान ने किया था आज मिडबाव के ग्रीन पार्क मैदान के ऊपर। अभी तक तो अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन किया है। फिर एक बार उठाकर खेलने का प्रयास कर रहे थे, अपील करते हुए अंपायर उसको सहमति देते हुए दूसरा विकेट मैदान के बाहर जाता हुआ। इस ओवर में तो कमाल कर दिया।
लागतात पापा बघितान पापा बघितान तुझे पापा माव फुगे जळतान अगला मुकाबला इसके बाद खेला जाएगा एक बड़ी टीम पिछले साल की विजेता टीम है रोहित स्पुट बेंगुरला और पुलिस बॉयज ओरस ये दो टीमों के बीच में दोनों टीमों के कप्तान आ जाएगा हमारे अतिथियों के कक्ष के सामने रोहित स्पुट बेंगुरला और पुलिस बॉयज ओरस ये दो टीम के बीच में अगला मुकाबला खेला जाएगा तो स्ट्राइक पर बल्लेबाज है समर्थ गवस और नॉन स्ट्राइक एंड पर है अनिकेत देसाई अनिकेत देसाई के बारे में कहूं तो रणजी खेले हुए ये गोवा राज्य के बहुत ही बड़े खिलाड़ी है और इनके कंधों पर काफी जिम्मेदारी है इस प्रतियोगिता में हमारे दूर वाले छोर से ये खराब गेंद थी गेंद हवा में फील्डर गेंद के नीचे और एक आसान सा कैच एक धीमी गेंद धीमी फुल टॉस गेंद पूरी तरीके से समझ नहीं सके पढ़ नहीं सके और नतीजा मैदान के बाहर आना पड़ेगा हेलो क्या बात है अमोल 18 के ऊपर गाड़ी अटक सी गई है आरबी कोरगांव टीम की समझ में नहीं आता है 18 के आगे क्यों नहीं जा रही है 17 का खतरा हमें मालूम है लेकिन इनको 18 के ऊपर खतरा हुआ है इनके दो कीमती विकेट गिरे जो पिछला ओवर डाला अन्ना चौहान ने बहुत ही काबिले तारीफ थैंक यू यहां पर सोनम जी हमें बहुत ही बढ़िया जानकारी देते हुए छह गेंदे यहां पर डॉट गई है जब 18 स्कोर था उसके बाद छह गेंदे यहां पर डॉट गई है और दो विकेट भी प्राप्त किए हैं यहां पर बाबू सावंत टीम ने बहुत ही अच्छी वापसी की है पहले ओवर में 14 रन आए थे लेकिन उसके बाद बढ़िया वापसी यहां पर करते हुए नए बल्लेबाज हेलो विकी नाइक मैदान में दिखाई देते हुए लेकिन स्ट्राइक पर बल्लेबाज अनिकेत गोवा राज्य का बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है ये और जीतने के लिए यहां से सिर्फ 14 रन चाहिए लेकिन वो 14 रन करने के लिए तरस रहे पिछले 6 गेंदों से देख रहा हूं मैं ये हवा में उठाकर खेला हुआ शॉट जाना पड़ेगा मैदान के बाहर बैक टू बैक यहां पर और एक विकेट मैदान के बाहर जाता हुआ क्या हुआ है यहां पर अरबी कोरगांव टीम को सत क्योरा मेरी सभा पुष्पक्का व्योरा मेरी मेरी सभा पुष्पक्का व्योरा मेरी तुझ के लम 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 जवल लपियो तुझे पापा बगीता थैंक यू डीजे मेरी तुझ के लम 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 जवल लपियो थैंक यू बच्चन जी थैंक यू पुलिस बॉयज ओरोस या संघाचा संघनायक दोन्ही संघाचा संघनायकांनी समालोचन कक्षाशी संपर्क साधायचा लगेचच नाणेफेक केली जाईल याची नोंद घ्यायची आहे धन्यवाद अमोल पहिली 7 गेंदे ऐसी थी जिसमें 18 रन आए थे लेकिन उसके की 7 गेंदे जिसमें एक भी रन नहीं आया है 3 विकेट गिरे है ये बात ध्यान में रखनी चाहिए आरबी कोरगांव टीम को क्योंकि एक ओवर एक बॉल में 18 स्कोर था और बॉलर को मौका है यहां पर हैट्रिक लेने का और अभी तक 8 गेंदे डॉट निकली हुई है और नए बल्लेबाज अपाली कलंगुटकर दिखाई देते हुए स्ट्राइक पर है विकी नाइक और नॉन स्ट्राइक एंड पर है अपाली कलंगुटकर और हैट्रिक मैन बॉलर यहां पर बॉलिंग मार्क पर ये अच्छी गेंद रन आउट करना चाहते थे बहुत ही करीबी मामला अगर डायरेक्ट हिट लगता तो लेकिन
ये देखिएगा खेल कितना अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, इसी तो सारे दर्शक इस खेल के दीवाने हैं। पहले 7 गेंदों में 18 रन, ऐसा लग रहा था कि ये 15 गेंदों में ही मैच खत्म होने वाला है, लेकिन उसके बाद यकायक बाबू सावंत 11 टीम ने जो वापसी की है वो देखने लायक है, काबिले तारीफ है। रनों पर भी अंकुश लगाया है और विकेट भी लिए है। ये गेंद फिर एक बार डॉट बॉल, यहां पर 10 गेंदे लगातार डॉट डाली है। ये खासियत है हमारे बाबू सावन स्पोर्ट के खिलाड़ियों की, इनमें दम है, जूझते रहते हुए। मंजिलें उन्हें ही नहीं मिलती जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल तो उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद, काफी खूबसूरत गेंद ये। फिर एक बार डॉट बॉल, बिन्नी गेंद, तारीफ करनी पड़ेगी इन बॉलरों की। जिस प्रकार से ये बॉलर बॉलिंग कर रहे, पिछला ओवर डाला था हमारे अन्ना ने, फिर उसके बाद तेजस लाजवाब बॉलिंग, मैं कहूंगा खूबसूरत बॉलिंग, बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा है। विकी नाइक को गेंदे कुछ समझ में नहीं आ रही है किस प्रकार से बल्लेबाजी करे। 18 रनों के ऊपर ही गाड़ी पूरी तरीके से अटक चुकी है, आगे चलने का नाम ही नहीं ले रही है। ये गेंद देखिएगा फिर एक बार, फुल टॉस गेंद थी, खराब गेंद थी, लेग स्टंप के बाहर, और एक्स्ट्रा रन के साथ यहां पर थोड़ी सी गाड़ी एक कदम आगे चली गई है। देखना पड़ेगा काफी देर के बाद, मेरे ख्याल से 10 या 11 गेंदे डॉट गई है, उसके बाद एक रन आया है वो भी एक्स्ट्रा के रूप में। ये हवा में खेला भाई शॉट, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और खराब शॉट मैं कहूंगा, और एक विकेट मैदान के बाहर जाता हुआ। ये क्या हो रहा है मैदान के बीच में, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है, ना दर्शकों को, ना खिलाड़ियों को, ना हमको भी। तब तक चलते हैं बच्चन जी के पास। वेंगुर्ला आणि पोलीस बॉईज ओरोस या दोन्ही संघांना अंतिम पुकार देण्यात येतोय की आपण लगेचच नाणेफेकीसाठी मुख्य समालोचन कक्षाशी या ठिकाणी संपर्क साधायचा आहे। रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला आणि पोलीस बॉईज ओरोस तुमच्यासाठी अंतिम पुकार येथे देण्यात येतोय, लगेचच आपण या ठिकाणी संपर्क साधायचा आहे। अमोल 3 ओवर खत्म हो चुके हैं, स्कोर है 19 रन, पहले 7 गेंदों में 18 रन, लेकिन उसके बाद 12 गेंदों में सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा रन, वो भी एक्स्ट्रा के रूप में रन मिला है, बल्ले से रन आया नहीं है, 5 विकेट गिरे हैं। ये हवा में खेला भाई शॉट, गेंद मिड विकेट की दिशा में, और एक विकेट मैदान के बाहर। बहुत ही बड़ा झटका मैं कहूंगा यहां पर मैदान के बाहर, चंदन नाइक को आना पड़ेगा।
रोहन साळगावकर, बॉलिंग मार्क पर नितेश, बॉलिंग का भार संभालते हुए। यह अच्छी गेंद और इस गेंद को सम्मान देते हुए, बहुत अच्छी गेंद, उसको बढ़िया तरीके से सम्मान देते हुए। जानते हैं कि प्रेशर यहां पर बल्लेबाजों के ऊपर है और विकेट खोना नहीं चाहते हैं बल्लेबाज। ये अच्छी गेंद, फिर एक बार कवर के क्षेत्र में ढकेल कर खेला है। ये सूझबूझ भरी बल्लेबाजी है मैं कहूंगा अमूल। जैसे ही मैंने बताया यहां पर सिंगल रन चुराते हुए दोनों भी बल्लेबाज एक एक रन लेकर खाता खोल रहे हैं, वो भी छह खिलाड़ी आउट होने के बाद। कमाल की बात है बल्लेबाजों की। स्कोर बढ़ता हुआ 21 रनों के ऊपर। जीतने के लिए रन चाहिए 11, क्योंकि 32 रनों का लक्ष्य है। लक्ष्य ऐसा लग रहा था बहुत ही आसान है, 7 गेंदों में 18 रन हुए थे, ऐसा लग रहा था बहुत ही आसान लक्ष्य है, लेकिन इस आसान लक्ष्य को बहुत ही मुश्किल बनाया है बाबू सावंत के बॉलरों ने और फील्डरों ने। लाजवाब खेल किया है, बहुत ही खूबसूरत खेल किया है मिडबाव के ग्रीन पार्क मैदान के ऊपर। और ये खासियत है रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव की, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन इस प्रतियोगिता के दरमियान किया है। ये गेंद, अंपायर वाइड बॉल का इशारा करते हुए एक्स्ट्रा रन फिर एक बार मिलता हुआ। एक्स्ट्रा रन की सहायता से 22 यानी कि 22 स्कोर है। रन चाहिए जीतने के लिए 10, और यहां पर बाबू सावंत टीम को विकेट चाहिए 4। क्या वो 4 विकेट हासिल करने में कामयाब रहते हैं ये भी देखना पड़ेगा। फिर एक बार बॉलर चले नितेश, धीमी गेंद, क्रिकेट का जिसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं, चतुरास्त्र कहते हैं, इसका इस्तेमाल करते हुए पूरी तरीके से अपाली इसमें फंस चुके थे इस शस्त्र के ऊपर, इस गेंद के ऊपर। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, बल्लेबाजी ऐसे कर रहे मानो, और बल्लेबाज भी ऐसे खेमे में जा रहे हैं मानो कोई हीरोइन वहां पर बैठी हो, मल्लिका शेरावत हो, ऐश्वर्या राय हो, उसको मिलने के लिए तरस रहे हो और खेमे में दौड़ रहे हो। ऐसे बल्लेबाज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, लेकिन अपाली और दूसरे साथी बल्लेबाज उनके, उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है। रोहन कलयो के सारे मोड़ दिया, डीप मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती, डीप मिड के खिलाड़ी दौड़ते हुए आते फील्ड करते हैं 2 रन। काफी देर के बाद अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली। शुरुआत में देखा था हमने जहां पर 3 रन हो सकते थे वहां पर सिर्फ 2 रन ले रहे थे, लेकिन अब यहां पर 1 रन था उसकी गुंजाइश की 2 रनों के लिए। ये क्रिकेट खेल है, खेलिए ऐसा है। तो ओवर नंबर 4 खत्म होता हुआ, 4 ओवर 6 विकेट 24 रन, गेंदे बची है 12 और जीतने के लिए रन चाहिए 8। अमोल 12 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 8। ये बहुत ही बड़ा संघर्ष भरा मैच हुआ यहां पर। अगला मुकाबला रोहित स्पोर्ट बेंगुरला और पुलिस बॉयज ओरस, ये 2 टीमों के बीच में खेला जाएगा। और स्ट्राइक पर रोहन खेलने के लिए तैयार है, बॉलिंग मार्क पर हमारे दूर वाले छोर से तेजस बॉलिंग का भार संभालते हो। जी हाँ, वो भी एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन दिया था सोनम जी, बहुत अच्छी बॉलिंग डाली थी तेजस ने, किफायती बॉलिंग की थी और विकेट भी लिए थे, 3 विकेट लिए थे, अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन किया था हमारे दूर वाले छोर से। फिर एक बार बॉलिंग मार्क पर सामने बल्लेबाज रोहन खेलने के लिए तैयार। तेजस की गेंद, टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई, बहुत ही करीबी मामला, बहुत ही करीबी मामला। ये जो फ्लाइट देकर गेंदे डाल रहे हैं और स्विंग भी प्राप्त कर रहे हैं और उसको ललचा रहे हैं बल्लेबाज को कि आप आगे आइए खेलिएगा, लेकिन क्या कहने इन बॉलरों के, बहुत अच्छी बॉलिंग मैं कहूंगा। 11 गेंदे जीतने के लिए 8 रन आरवी कोरगांव टीम को।
यहां पर प्रेशर बल्लेबाजों के ऊपर थोड़ा बहुत है। ये हवा में खेला हुआ शॉट, ओ हो, प्रयास काफी किया था, प्रयास आखिर प्रयास रहा और गेंद मिड विकेट सीमा पार 6 रनों के लिए। थैंक यू। ये शॉट वो भी गया, वो काफी कठिनाई के साथ गया, मिड विकेट के खिलाड़ी ने बहुत ही कोशिश की थी, काफी प्रयास किया था, लेकिन मैं अच्छा प्रयास कहूंगा उनका। हालांकि स्कोर बहुत कम रहा, रन नहीं इतने बल्लेबाजी करते हुए पहले इनिंग में बनाए, लेकिन फाइट बाखूबी बढ़िया दी और ये गेंद लगता है फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए और आरबी कोरगांव की टीम ये मैच बढ़िया तरीके से जीतते हुए अगले राउंड में प्रवेश किया है। माफ कीजिएगा, डेड बॉल का इशारा अंपायर करते हुए। अंपायर द्वारा डेड बॉल का इशारा, यानी कि फिर एक बार ये गेंद डालनी पड़ेगी, यानी कि जीतने के लिए रन चाहिए 2 और गेंदे बची है 10 गेंदे बची हुई है। ये खूबसूरत शॉट और लगता है इस बार 2 रन आते हैं कि नहीं देखना पड़ेगा। इस बार 2 रन दौड़ते हुए पूरे किए और यहां पर जीत बढ़िया तरीके से हासिल करते हुए, लेकिन ये जो जीत हासिल की है काफी परिश्रम करने पड़े, 6 विकेट गिरे उनके ये 32 रन बनाने के लिए। ये जो गलतियां हैं हर मैच में आपको सुधारनी पड़ेगी आरबी कोरगांव टीम के लिए। और अगला मुकाबला रोहित स्पूट बेंगुरला और पुलिस बॉयज ओरस, ये 2 टीमों के बीच में खेला जाएगा। तो फिलहाल मैं श्याम वाकर आप सभी तमाम दर्शकों की थोड़ी देर के लिए इजाजत लेता हूं, आगे का हाल